Friends, welcome to the series of electronic spectra of transition metal complexes lecture, and this is part 4 of this lecture. Electronic spectra of transition metal complexes में आपका स्वागत है. अब इस lecture में part 4 में हम पढ़ेंगे what is electro spectrochemical series. जो spectrochemical series है वो हम सीरीज है. देखिए ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जनरली लिगेंड्स की सीरीज है. और हम जानते हैं कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ लिगेंड की वजह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके, तो ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये डिपेंड करता है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पर. मेटल का जो डी ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग पर डिपेंड करता है, और इसकी स्प्लिटिंग एक फैक्टर पर अफेक्ट करती है, वो है लिगेंड से इंटरेक्ट करना मेटल का. तो ये लिगेंड और मेटल जितना स्ट्रेंथ से इंटरेक्ट करेंगे ओके, उतनी ही अधिक स्प्लिटिंग होती है. जितना टाइटली मेटल और लिगेंड बाइंड होंगे उतना क्या होगा, उतना लार्ज स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स में. ओके, और जितना वीकली बॉन्डेड होंगे लिगेंड्स एंड मेटल्स, लिगेंड एंड मेटल जितना वीकली बॉन्डेड होंगे उतना डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी. क्योंकि जितना वीकली बॉन्डेड होंगे उतना बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. और जो स्प्लिटिंग है, जो सीएफएससी है, वो हमें बताती है स्टेबिलिटी के बारे में. ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स में, और जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना अधिक उसकी सीएफएससी होगी. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है लिगेंड और मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. तो ये सीरीज जो बनी हुई है, ये सीरीज हमें क्या बताती है कि पर्टिकुलर लिगेंड, जो लिगेंड्स हैं उनकी सीरीज है अगर वो एक पर्टिकुलर मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हों. तो इस लिगेंड को क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के बेसिस पर उनको अरेंज करते हैं. स्ट्रेंथ किसका होगा, उनका इंटरेक्शन विद द मेटल आयन, और इस सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो हम जो क्या करते हैं, जो लिगेंड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए, तो वो जो सीरीज है वो कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और वो किस आधार पर होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयन विद द लिगेंड्स. तो अभी मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले बात की हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की. ओके, एक कॉम्प्लेक्स तो ये है, ये मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, और एक कॉम्प्लेक्स ये है देखिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ओके, ये है टी टू जी और ये है ई जी, ये है टी टू जी और ये है ई जी. ये जो एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, ये एनर्जी गैप देखिए, और ए ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप देखिए, तो दिस गैप इज हायर देन दिस गैप. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हाई है और यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या है, लो है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कहलाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है, इसको अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिगेंड की, वैसे इसको मेटल भी इफेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिगेंड की. तो इस डेल्टा ओ को कौन इफेक्ट करता है, लिगेंड. और लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ठीक है, ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी मेटल और लिगेंड के बीच में, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना ही डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी. और एम एल जितना वीक होगा उतनी ही लो वैल्यू होगी डेल्टा ओ की. तो इस इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है डेल्टा ओ की वैल्यू. तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हाई होगी, और जितना वीक होगा उतनी लो होगी. तो ये हम लिगेंड के बेसिस पर बताने वाले हैं कि लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उतनी हाई उसकी डेल्टा ओ होगी. तो इस डेल्टा ओ के आधार पर जो लिगेंड्स हैं उनको अरेंज किया जाता है,
और उन अरेंजमेंट को कहते हैं अरेंज करेंगे, किसको अरेंज करेंगे, लिगेंड को, किस बेसिस पर करेंगे, डेल्टा ओ के बेसिस पर। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज जनरली वीकर टू स्ट्रोंगर लिगेंड की ओर, मतलब जिनकी डेल्टा ओ हाई होती है वो सबसे ऊपर होते हैं सीरीज में, और जिनकी डेल्टा ओ कम होती है वो सबसे नीचे होते हैं सीरीज में। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सीरीज है, आई माइनस जहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है और कार्बोनिल सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि लिगेंड्स की है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये वाले जो लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड्स का क्या होता है, इनका डेल्टा ओ हाई, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। ओके, और ये लिगेंड क्या कहलाते हैं, वीक लिगेंड। अब आप देखिए, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने लिखी और ये सीरीज ऐसे है, ठीक है। ये जो लिगेंड है ये सीरीज में सबसे नीचे है और ये जो लिगेंड है ये सबसे ऊपर है। तो ये लिगेंड को हम क्या कहते हैं, वीक लिगेंड। तो जो वीक लिगेंड हैं ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं मेटल के साथ जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाते हैं। तो जो राइट हैंड साइड के जो लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जो सबसे ऊपर होंगे और जो वीक लिगेंड होंगे सबसे नीचे होंगे। और ये स्ट्रेंथ किसकी है, इनकी डेल्टा ओ स्प्लिटिंग की। तो ये जो वीक लिगेंड हैं इनकी डेल्टा ओ ये कम कर देते हैं स्प्लिटिंग को, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को, और जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड हैं इसको बढ़ा देते हैं। ये जो लेफ्ट साइड के लिगेंड हैं इनको सिग्मा डोनर लिगेंड्स भी कहते हैं, मतलब ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। देखिए, डोनर तो सारे लिगेंड होते हैं क्योंकि वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर हम इन ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो इनको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ओके, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं और ये लिगेंड्स क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं, देंगे, सारे लिगेंड्स देते, बट दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इन लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग हो रही है। इस बॉन्डिंग की वजह से ही मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रेंथ जो है हायर है यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्ड की। तो इन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं। और इस सीरीज को थोड़ा सा हम कोरिलेट कर सकते हैं डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। देखिए, अगर मैं हैलाइड्स की बात करूं, ओके, देन मैं ऑक्सीजन की बात करूं, देन मैं नाइट्रोजन की बात करूं, फिर मैं कार्बन की बात करूं, तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हैलाइड्स की, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की। तो आप एक तरीके से इस सीरीज में बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि जो हैलाइड्स हैं, ये देखिए आई माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड फ्लोराइड, ये डोनर एटम जिनमें होंगे वो सबसे लेफ्ट में होंगे। तो ये जनरली क्या होते हैं, सिग्मा डोनर, तो ये लोअर पोजीशन पर होते हैं। फिर देखिए ऑक्सीजन जिनमें डोनर एटम होगा, देखिए ओ एच माइनस, सी टू ओ फोर, एच टू ओ, जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम होगा वो फिर थोड़े से स्ट्रेंथ उनकी हैलाइड से अधिक होती है। देन आप देखेंगे जहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, देखिए NCS, CN, देन पायरिडीन एंड NH3 एंड इथाइलिन डायमिन बाई पायरिडीन फिनाइलमिन नाइट्राइट, सब में नाइट्रोजन जो है वो क्या है, डोनर एटम। देन आप देखेंगे जहाँ पर डोनर एटम कौन है, कार्बन। तो इस तरीके से आप सीरीज को देख सकते हैं कि ये सीरीज लगभग इस बेसिस पर है कि जिनमें डोनर एटम सबसे अधिक नेगेटिव है वो वीक स्ट्रेंथ के लिगेंड्स हैं, और जिनमें कार्बन एटम डोनर एटम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाते हैं। ओके,
तो इसलिए इस बेसिस पर हम इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो सीरीज है एक पर्टिकुलर मेटल के आधार पर है, मतलब हम मेटल एक ही रखेंगे और जब हम लिगेंड चेंज करेंगे तब हम कहेंगे कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, लिगेंड्स को अरेंज किया गया है इन स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द मेटल सेंटर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जनरली दिस इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये किस बेसिस पर है, ये है कि ये कैसे इनकी स्ट्रेंथ जो है मेटल और लिगेंड बॉन्ड की बढ़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ट्रांजिशन मेटल स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।